जय हिंद प्यारे दोस्तों। गाइस आज के वीडियो में हम 4440 आईसी का ये एम्पलीफायर बोर्ड है तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। दोस्तों ये एक कार एम्पलीफायर है जिसको हमने ही डिज़ाइन किया था कुछ दिनों पहले अपनी बोलेरो पिकअप के लिए। तो इसमें ट्रिपल आईसी बोर्ड सिस्टम लगा हुआ है, इसमें एक स्पेशली सब ऊपर का आउटपुट आता है। तो सब ऊपर का जो आवाज़ है दोस्तों वो आवाज़ दब जाता है, वो आवाज़ ठीक से आता नहीं है, आवाज़ थोड़ा सा फट जाता है, तो ये दिक्कत यहाँ पर ये कर रहा है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम इसका आवाज़ को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, सभी प्रैक्टिकली टेस्टिंग में आपको करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हो आप लोगों का फेवरेट यूट्यूब चैनल इंजीनियर पवन। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलो हम वीडियो शुरू कर लिया, ठीक है। दोस्तों ये देख रहे हो आप, ये जो सिस्टम है अपने पास, ये सिस्टम को हमने ही बनाया था। देखिए कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने एक कार म्यूज़िक प्लेयर आप लोगों को बना करके दिखाया था। ये 12 वोल्ट का कार म्यूज़िक प्लेयर है और दोस्तों इसमें जो हमने एम्पलीफायर यूज़ किया है वो 4440 आईसी का एम्पलीफायर हमने यूज़ किया है। ये होता है 4440 आईसी, ठीक है। दोस्तों ये जो है मोस्ट पॉपुलर आईसी है क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई आज भी अपनी गाड़ी के अंदर इसी आईसी का एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं। इसमें एक दिक्कत यहाँ पर आया है, चलिए वो दिक्कत में क्या है वो आप लोगों को अभी बता देता हूँ और उसका पहले मैं आपको टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा इसके अंदर फॉल्ट कैसा आ रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा फटा हुआ सा आवाज़ निकल रहा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये ट्रिपल आईसी का बोर्ड सिस्टम है। इसमें तीन आईसी लगे हैं ये सिस्टम के अंदर और आईसी मैंने आपको दिखाया 4440 ट्रिपल आईसी का ये बोर्ड है, ठीक है। तो दोस्तों इसका वीडियो आप ज़रूर देखिए जिसमें आपको सब कुछ वायरिंग सब कुछ ये स्टीरियो सिस्टम किस प्रकार से बनाना है, ये ट्रिपल आईसी का सिस्टम कैसे आपको डिज़ाइन करना है अपनी गाड़ी के लिए, ये हमने कम्प्लीट उस वीडियो में दिखाया है, ठीक है। जिसका वीडियो लिंक ऊपर आए बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसका वीडियो देख के ऐसा ट्रिपल आईसी वाला सिस्टम बना सकते हो। दोस्तों ये जो बोर्ड है इसके अंदर से काफ़ी अच्छा आवाज़ आता है। इसका एक जो आईसी है स्पेशली ये सब ऊपर को चलाता है। अभी ये जिन भाइयों को अपनी गाड़ी में होम थिएटर चलाना है या फिर होम थिएटर जैसा आवाज़ अगर जिन भाइयों को चाहिए उस भाई के लिए सबसे बेस्ट ये ट्रिपल आईसी का बोर्ड रहेगा, ओके। क्योंकि इसके अंदर से काफ़ी अच्छा सब ऊपर का आवाज़ हमें मिल जाता है। इसके यहाँ पर जो दो आईसी हैं ये दो आईसी आपके स्पेशली मिड रेंज आवाज़ को निकालते हैं, जिससे आपका डबल आईसी का जो सिस्टम आता है 4440 आईसी में उसका जैसा आवाज़ बिल्कुल सेम इन दोनों आईसी का आवाज़ आपका आएगा, ठीक है। और इसका ये जो तीसरा वाला जो आईसी है इस आईसी से आपको स्पेशली यहाँ पर सब ऊपर का आवाज़ यहाँ पर मिल जाता है। तो ये सिस्टम काफ़ी अच्छा है, अगर आपको होम थिएटर जैसी आवाज़ चाहिए अपनी किसी भी गाड़ी के अंदर तो आप इस बोर्ड को ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छा आपको इसका आउटपुट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को इसका आवाज़ में सुना देता हूँ। इसका प्रॉब्लम क्या है, ये जो इसका सब ऊपर का जो आईसी है यहाँ पर इस आईसी का थोड़ा सा फटा हुआ सा आवाज़ यहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों ऐसा आवाज़ तभी आता है जब इसका आईसी थोड़ा बहुत लीकेज हो जाता है या फिर आईसी थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है, तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर फटा हुआ आवाज़ मिल सकता है, इसीलिए हम इसका आईसी को अभी यहाँ पर चेंज करेंगे, ठीक है। पहले हम आपको इसको टेस्टिंग करके दिखाते हैं इसका आवाज़ यहाँ पर कैसा आ रहा है, उसके बाद में हम इसका आईसी को भी चेंज करके फिर हम आप लोगों को इसका आवाज़ वापस से हम टेस्टिंग कराएंगे तो कैसा इसका आवाज़ में चेंज होता है कि नहीं, ये हम आपको प्रैक्टिकली अभी हम करके दिखाएंगे। तो चलिए पहले हम इसका आवाज़ को यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं, इसका सच में फटा हुआ सा आवाज़ आ रहा है कि नहीं, ये भी हम आपको पहले टेस्टिंग करवा देते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने सिस्टम के साथ में 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी है और यहाँ पर ये स्पीकर मैंने टेस्टिंग के लिए यहाँ पर लिया है, ये 8 इंच का स्पीकर है, ठीक है। तो पहले हम इसका लेफ्ट राइट चैनल को यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इसका आवाज़ बिल्कुल ओके आ रहा है, लेकिन इसका जो सब ऊपर का जो आवाज़ है जो कि इस वायर से आता है तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ये जो है आवाज़ थोड़ा सा फटा हुआ सा आवाज़ आ रहा है,
चलिए मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ। Bluetooth mode paired. दोस्तों इस वाले चैनल में यहाँ पर क्लियर आवाज आ रहा है। चलिए दूसरा चैनल हम चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें लगाता हूँ मैं। ओके इसमें भी क्लियर आ रहा है। अभी दोस्तों इसका सब ऊपर को हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं जो कि ये कनेक्टर में यहाँ पर आएगा। तो देखिए सब ऊपर को मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। आवाज को मैं बढ़ाता हूँ। देखिए दोस्तों इसका साउंड टेस्टिंग मैंने आप लोगों को करवा दिया है। ये दोनों चैनल इसके बिल्कुल ओके चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इसका सब ऊपर का ये जो आईसी है इसमें से थोड़ा सा हमें फटा हुआ आवाज़ यहाँ पर मिल रहा है। सब ऊपर का इतना अच्छा आवाज़ यहाँ पर नहीं आ रहा है। शायद आपको ये वीडियो के अंदर समझ नहीं रहा होगा लेकिन जब प्रैक्टिकली हमने इसको टेस्टिंग किया तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा फटा हुआ आवाज़ यहाँ पर आ रहा है। देखिए यहाँ पर दोस्तों 100% ये आईसी का प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकता है क्योंकि ये आईसी कभी कभी लीकेज हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा एम्पलीफायर हीट होने की वजह से, बहुत ज़्यादा हीटिंग की वजह से ये आईसी थोड़े बहुत लीक हो जाते हैं जिससे इसका आवाज़ यहाँ पर फटा हुआ आवाज़ आपको आ सकता है। और यहाँ पर ये बाकी जितने कंपोनेंट्स यहाँ पर लगाए गए हैं दोस्तों ये लगभग ख़राब होने का चांस ना के बराबर है क्योंकि ये कंपोनेंट्स देख के ही हम पता कर सकते हैं लगभग ये कंपोनेंट्स ख़राब होने का चांस यहाँ पर नहीं रहता है। कभी कभार ये कैपेसिटर का कुछ प्रॉब्लम वगैरह रहता है या फिर इसका जो सब ऊपर का यहाँ पर ये जो डुअल होगा सिंगल पोटेंशियोमीटर शायद उसका प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब ऊपर का यहाँ पर ये डुअल है तो इसको यहाँ पर आपको सिंगल चैनल का एक पोटेंशियोमीटर लगाना होता है सब ऊपर का आवाज़ के लिए, तो कभी कभार उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमने वो नया ही लगाया है तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो दोस्तों अभी हम इसका यहाँ पर आईसी को चेंज करके देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आईसी ही इसका मेन है। आईसी से ही ये सब कुछ हम आवाज़ को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम यहाँ पर आईसी को बदल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने हीट सिंक को निकाल दिया है। अभी हमें ये सब ऊपर का आईसी को यहाँ पर चेंज करना है। यहाँ पर सब ऊपर का फिल्टर लगा है तो सब ऊपर का आईसी आपका यहाँ पर है, ठीक है। या फिर आप ये वायर इसके ज़रिए भी आप पहचान सकते हो सब ऊपर का चैनल कौन सा है। देखिए देखिए यहाँ से ये वायर निकला है इसका मतलब ये वाला आईसी आपका सब ऊपर का है, ठीक है। तो इसी को भी हम यहाँ पर चेंज करेंगे आईसी नंबर 3। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तो चलिए भी हम इसको यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। दोस्तों अभी हमें यहाँ पर आईसी को डिसोल्डर करके निकालना है। तो यहाँ पर आप चाहो तो ये डिसोल्डरिंग पंप यूज़ कर सकते हो या फिर वो जो डिसोल्डरिंग के लिए जो अलग सा एक तार आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए इसके ज़रिए भी आप इसको डिसोल्डर कर सकते हो, ठीक है। देखिए लगभग हमने सभी पिनों का यहाँ पर अच्छे से डिसऑल्डर कर दिया है, ठीक है। लेकिन जो कुछ भी अगर बचता है तो आप उसको डिसऑल्डर करके ही आईसी को निकालेगा क्योंकि यहाँ पर ये ट्रैक कभी कभी ख़राब हो जाते हैं इसीलिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम आईसी को यहाँ पर निकालते हैं।
तो आईसी इस प्रकार से आपको सीधा करना है और इसको अभी हम यहाँ पर ऐसे हम इसको निकालने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। देखिए कुछ पीने अभी भी यहाँ पर दिक्कतें कर रही है। देखिए लास्ट के एक दो पीने, देखिए दोस्तों यहाँ पर आईसी आसानी से निकल चुका है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है डिसऑर्डर की वजह से। तो चलिए अभी हम इसको साइड में रखते हैं और इसकी जगह पर हम नया आईसी को लगाते हैं, ठीक है। ये अपना नया आईसी है, तो अभी हमें इसको यहाँ पर लगाना है। सबसे पहले हम इन पिनों को अच्छे से पहले यहाँ पर पेस्ट लगा के अच्छे से हम इसको क्लीन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर सभी पिने क्लियर हो चुके हैं, देखिए सभी होल अच्छे से यहाँ पर दिख रहे हैं। अभी हम यहाँ पर नया आईसी लगा सकते हैं। दोस्तों याद रहे जब आप ये आईसी लगाते हो तो यहाँ पर आपको जो हीट सिंक पेस्ट आता है जिसको हम थर्मल पेस्ट भी बोलते हैं तो आपको ज़रूर लगाना है, क्योंकि उससे काफ़ी अच्छा हीट डिसिपेशन हो जाता है। अभी मेरे पास शायद हीट सिंक पेस्ट ख़त्म हो चुका है तो मुझे मिला नहीं, इसीलिए अभी मैं इसको लगाऊंगा तो नहीं, लेकिन मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ज़रूर लगाएं, ठीक है। अभी दोस्तों ये आईसी आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगेगा, चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये ऐसे आईसी यहाँ पर फिट होगा, तो आपको ये आईसी बिल्कुल ऐसे ही लगाना है, ठीक है, जैसे हमने निकाला था बिल्कुल वैसे ही आपको लगा देना है। दोस्तों सोल्डरिंग करने के लिए वापस हम यहाँ पर सोल्डरिंग पेस्ट का यूज़ करेंगे। दोस्तों अच्छे से ये सोल्डर हो चुका है, अभी हम इसको अच्छे से यहाँ पर साफ कर देते हैं। आप यहाँ पर पेट्रोल का यूज़ कर सकते हो जिससे अच्छे से ये साफ हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमने अच्छे से इसको पैकिंग कर दिया है, इसका हीट सिंक आपको अच्छे से यहाँ पर टाइट करना है, क्योंकि ज़्यादातर आईसी ख़राब होने का चांस इसी की वजह से होता है, क्योंकि दोस्तों इसका अगर हीट डिसिपेशन सही से अगर नहीं होगा तो आईसी वापस से गर्म होके ख़राब हो सकता है। इसीलिए आपको हीट डिसिपेशन होने के लिए आपको अच्छे से हीट सिंक यहाँ पर कस देना है, और जब भी आप कोई नया बोर्ड अगर लेते हो तो उसमें बड़ा हीट सिंक देख के आप बोर्ड को परचेस कीजिए, उससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा और इसका आईसी वगैरह भी अच्छा परफॉर्मेंस और उसका लाइफ स्पैन भी काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आईसी को चेंज कर दिया है, चलिए अभी हम आपको इसका टेस्टिंग दिखाते हैं। तो दोस्तों पहले से इसमें काफ़ी अभी फ़र्क यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो अभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर इस टाइप का अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप इस प्रकार से इसका आईसी बदल के आप इसका साउंड क्लैरिटी को ठीक कर सकते हो। दोस्तों शायद आपको वीडियो के अंदर ठीक से समझ नहीं आ रहा होगा इसमें क्लैरिटी में फ़र्क आया है कि नहीं, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसकी क्लैरिटी में अभी काफ़ी सुधार मुझे लग रहा है। इसका अभी जो यहाँ पर जो इसका जो बेस आउटपुट है, जो इसका सब ऊपर का जो आउटपुट है वो अभी काफ़ी अच्छे से हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। दोस्तों ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम हमने बोलेरो पिकअप के लिए बनाया था स्पेशली, और हम इसको आज भी अपने बोलेरो पिकअप के अंदर यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा आउटपुट हमें इसका आज भी मिल रहा है, ओके। तो आप भी इस प्रकार का सिस्टम अपनी गाड़ी के लिए बना सकते हो, और अपने बाकी बोलेरो पिकअप के वीडियोस आप ज़रूर देखिए जिसमें हमने बहुत सारे डेकोरेशन की वीडियोस हमने बनाए हैं अपने चैनल पर, तो आप सभी वीडियोस को देखिए सीखिए और आप भी अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन ज़रूर करवाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों देखिए आगे भी हम और ऑर्डर सिस्टम की वीडियोज़ लाते रहेंगे, और बहुत जल्दी हम यहाँ पर ये जो बोर्ड है यहाँ पर देखिए इस सिस्टम के अंदर जो हमने ट्रिपल आईसी का बोर्ड यूज़ किया है
यहाँ पर आपको ये बोर्ड शायद आसानी से नहीं मिल पाएगा। ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, लेकिन ऑनलाइन बहुत ही महंगा आपको मिलेगा। आप इसको ऑफलाइन लेने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर ये बोर्ड अगर आपको नहीं मिलता है, तो हम TKR बोर्ड यूज़ करके हम सब ऊपर का आवाज़ उसमें भी निकालने वाले हैं, तो उसके ऊपर भी मैं एक स्पेशल एक वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यार इस वीडियो को अपने तक मत रखिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए गाइस, फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक ले बाबा एंड टेक केयर।